तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास टेंथ की साइंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। साथ में हम उनकी प्रॉपर्टीज पर भी स्टडी करेंगे। लेकिन मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खाई होंगी जिनका टेस्ट सॉर होता है। जिनका टेस्ट सॉर मतलब वो खट्टे होते हैं खाने में। आखिर वो खट्टे क्यों होते हैं, कभी सोचा आपने? जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, नंबर वन लेमन जूस। लेमन जूस क्या होता है, टेस्ट इसका खट्टा होता है। या हम कह सकते हैं ऑरेंज, बहुत एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना, इसका टेस्ट भी खट्टा होता है। या आप कह सकते हो अनराइप मैगो, अनराइप मैगो। मैगो तो भाई आपने खाया होगा कच्चा आम, है ना, उसको काटो, पीस बनाओ, नमक डालो, फिर खाओ पूरा फील के साथ में, एकदम खट्टा खट्टा लगता है ना, कितना मज़ा आता है। या फिर आप कह सकते हैं सर खट्टी चीज़ों का नाम मत लो, बहुत मन चलता है हमारा, मुंह में पानी आता है फिर खट्टी चीज़ों से ना। या आप कह सकते हो बच्चों क्या चीज़, टैमरिंड। टैमरिंड ये क्या होता है, इमली होती है भाई, जब आप बचपन में दुकान से लाते थे खरीद के और खाते थे उसको खट्टा खट्टा ना, कितना मज़ा आता था खाने में, बचपन याद दिला दिया सर आपने हमको तो। चलिए, या आप कह सकते हो बच्चों क्या, कर्ड। कर्ड दही, और भी बहुत सारी, जैसे विनेगर हो गया है और चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट सॉर होता है, ठीक है ना। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इनका टेस्ट सॉर क्यों होता है? तो मैं बताता हूँ आपको कि इनका टेस्ट सॉर क्यों होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा अभी आपको, बस वीडियो में एंड तक बने रहो आप लोग। तो क्या करना है कि बच्चों, एक ही रीज़न है कि इनका टेस्ट सॉर होता है, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड। यानी कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप खाते हैं और उसका टेस्ट अगर सॉर है, वो खट्टी है, समझ जाओ कि उसके अंदर एसिड है। अब ये एसिड क्या होता है बताता हूँ आपको। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट। यानी कि बच्चों, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सॉर होता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ आप अगर खाते हैं वो खट्टी है खाने में, समझ जाओ उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। एंड टर्न्स ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, हा लिटमस पेपर इन रेड। एसिड क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। अब ये ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है भाई? बच्चों, लैब में जब आप जाते हैं तो आपको एक पतली सी पेपर की स्ट्रिप दी जाती है जो कि ब्लू कलर की होती है। और सोचो कि आपको एक सब्सटेंस दिया गया है और आपसे कहा है कि इसकी एक ड्रॉप इस पर डालो। तो जैसे आपने वन ड्रॉप इस पर डाली तो ये पहले कैसा था, ब्लू कलर का, और जैसे ही आप उस सब्सटेंस की ड्रॉप को इस पर गिराओगे ये तुरंत रेड कलर का हो जाएगा। अगर ये रेड कलर का होता है, चेंज हो जाता है ब्लू से रेड में, तो समझ जाओ कि जो ड्रॉप आपने जिस सब्सटेंस की डाली है वो सब्सटेंस आपका एसिड था, यानी उसके अंदर एसिड प्रेजेंट था। क्योंकि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। अब आप एक चीज़ बताओ कि मान लो आपको एक सब्सटेंस दिया गया है और आपसे कहा गया कि टेस्ट करके बताओ ये सब्सटेंस किस चीज़ का है, इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि सब्सटेंस में एसिड है या नहीं है, कैसे बताओगे? भाई सब्सटेंस है और आपसे कहा गया कि बताओ इसमें एसिड है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो मैं बताता हूँ आप कैसे बता सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप उसको खा के देख सकते हो, टेस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। सिंपल सा है, एसिड जो होते हैं वो खाने में खट्टे होते हैं, सबसे तरीका। लेकिन क्या आप हर चीज़ को खा के टेस्ट कर सकते हो? भाई मान लो लैब में हो, कुछ केमिकल दे दिया गया है, खा तो नहीं सकते ना उसको हम, तब क्या करोगे? तो एक और तरीका है कि एसिड्स कंटेन H प्लस आयंस, एसिड में H प्लस आयन होता है। जब एसिड को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वो H प्लस आयन देंगे। चलिए सर, ऐसा भी कर सकते हैं। और कोई आसान तरीका है? बिल्कुल, इससे भी सिंपल तरीका है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इन रेड। सिंपल सा लिखो रेड।
क्या करते हैं एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, है ना, रेड में चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक लिटमस पेपर है और वो लिटमस पेपर पे आपने ड्रॉप डाली किसी सब्सटेंस की, वो रेड में चेंज हो जा रहा है ब्लू से, समझ जाओ वो एसिड था आपका, है ना। तो कुछ ऐसे आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो किसी सब्सटेंस को कि उसमें एसिड है या नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको एसिड के क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 ये भी एसिड होता है, या आप कह सकते हो HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या होता है आपका एसिड होता है, या फिर HCOOH, ये सब ऐसे बहुत हैं बच्चों, एग्जांपल तो बहुत हैं, है ना। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। तो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ खाने में खट्टी क्यों लगती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड क्या होते हैं, एसिड आर दो सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं।